से अफेयर्स को लेके रूमर्स हैं। बुरा बनने के लिए आपको बुरा होने की जरूरत नहीं, फेम के साथ साथ ये सारी चीजें आएंगी एंड वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट। जानते हम जानते कि हम दोनों कैसे इंसान हैं, क्या सोच है हमारी हर एक चीज को लेके, एज फ्रेंड्स एज को एक्टर्स वी नो ईच अदर। कमाल की बात है क्योंकि इतनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग इतनी कम उम्र में आप लोग को देखने को मिली है, लेकिन देखता हूँ कि अलग अलग फ़ैन पेज बने हुए हैं जिनमें आपस में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, कई कई लोग तो अलग अलग तरीके के न्यूज़ भी चलाते हैं, आपने भी देखा होगा अफेयर के रूमर्स चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कैसा लगता है जब ये सब चीज़ें आती हैं और आप क्लियर करना चाहेंगे अपने फ़ैन से कि क्या है क्या रिलेशन? नहीं, हम क्लियर कर चुके हैं मेरे ख्याल से। मैं एक चीज़ यहाँ पे आके समझ गया हूँ धीरे धीरे। पहले मैं बहुत सोचता था कि लोग क्या बात करते हैं क्या नहीं, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड एंड यस पीपल अराउंड मी व्हेन आई वाज अ किड ऑलवेज केयर्ड अबाउट व्हाट पीपल टॉक, कि नहीं ये खराब लगेगा लोग क्या सोचेंगे ये वो वो, या सो यू हैव टू बी इमेज कॉन्शियस एंड ऑल दीज थिंग्स दे वो ऑलवेज देयर। बट एक सर्टन अभी जाके मैं समझ रहा हूँ, आज तक ये जो इन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत सुधारा है, बट एक सर्टन लिमिट के बाद ना आप चाहे जो भी करो, मैं एक चीज़ समझ गया कि बुरा बनने के लिए आपको बुरा होने की ज़रूरत नहीं है, ये लोगों की सोच होती है जो आपको बुरा बनाती है। आप चाहे कितना भी सही करो, आपके कर्म चाहे कितने भी अच्छे हो, जिनको आपको बुरा मानना है वो आपको मानेंगे। एंड इट्स लाइक यू नो पीपल, जैसे कि मैं भी मलिका को जानता हूँ, मलिका मुझे जानते हैं, हम जानते हैं कि हम दोनों कैसे इंसान हैं, क्या सोच है हमारी हर एक चीज़ को लेके, एज फ्रेंड्स एज को एक्टर्स वी नो ईच अदर। तो आसपास के लोग क्या सोचते हैं वो हमें मैटर करता है जो क्लोज लोग हैं, बट एक है कि मैं एक समझ गया कि फेम के साथ साथ ये सारी चीज़ें आएंगी एंड वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट। मलिका क्या कहेंगी आप? मैं भी यही कहूँगी, पहले चीज़ें बॉदर करती थी, कुछ भी न्यूज़ आ जाना ऐसी कि हमें पता ही नहीं कि, और हमें लिटरली दूसरों से पता चला ये तुम न्यूज़ में तुम ठीक हो कि मैं गिर गई सीढ़ियों से या ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं था। और लिटरली फैंस जब कभी इंस्टाग्राम खोलो तो देख रहे हो कि आप ठीक हो, सीढ़ियों से गिर गई हो गया वो हो गया, और भी जैसे अफेयर्स को लेकर रूमर्स हैं। अभी पहले चीज़ें बॉदर करती थी बट अब इतना नहीं करते हैं, अभी एक्सेप्टेंस इस ज़रूरी, इसलिए वो भी मैंने इनसे यही चीज़ सीखी है कि वो उम्मीद की वजह से कहीं वो जो अंदर वो पीस है इनके अंदर दिखता है वो भी आपके अंदर भी आ गई कि वो गुस्सा नहीं आता अगर आप दोनों के अफेयर की बातें करते हैं कुछ करते हैं। वैसे नहीं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता है, पहले तो मैं क्या हो रहा है इन्हीं के पास जाके ये कैसी कैसी न्यूज़ आ रही है, तो अभी तो नहीं, अभी इनको देख के मैं भी काम रहती हूँ। बाय द एंड तो किस किस को रोक सकते हो आप? अगर मैं मलियों को बोलूँ कि बाहर जाके ये चीज़ मत करना, फिर भी करेगी तो नहीं रोक सकते ना, तो यू जस्ट हैव टू गेट यूज्ड टू एवरीथिंग।